सर, राणा हॉस्पिटल। गुड इवनिंग। कैसा महसूस हो रहा है आपको बाबा सेठ का ऑपरेशन और राणा हॉस्पिटल में? बहुत अच्छा, जितना नहीं होना चाहिए उतना अच्छा। जितना मैं पहले से डर रहा था वो सब कुछ नहीं। ऐसा महसूस हुआ कि हम ऑपरेशन कराया ही नहीं है जी। आगे और कुछ पूछे जी, आप क्या संदेश देना चाहोगे जो मरीज डरते हैं या शर्माते हैं इस बीमारी की वजह से? उसको तो मैं ये कहूँगा कि तुम जितना डर रहे हो तुम अपनी बीमारी को संदेश दे रहे हो, अपनी बीमारी को तुम बढ़ा रहे हो। तुम एक बार राणा हॉस्पिटल जाके तो देख लो, अगर तुम नहीं चल सकोगे तो चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, लेकिन एक बार चल के देखो वहाँ। सर, आपको हमारे हॉस्पिटल के बारे में कहाँ से पता चला? ये हमको पता चला, हम तो ऐसे 10 सालों से इसमें हम क्या कहते हैं उसको मुब्तला थे, तो इलाज तो हम चांद सी दवा खाना से भी किए। हेमोपैथ का 2 साल से इलाज चल रहा था, 2 महीना से इलाज किया हम नेपाल से भी, लेकिन कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ। हम एक बार सिमराही बाजार जो डिस्ट्रिक्ट सुपौल में पड़ता है, बिहार स्टेट है उसका, और वहाँ जा कर के मैं चाय की दुकान पर, ठंडी का जमाना था, चाय की दुकान पर मैंने चाय पीने के लिए गया, तो वहीं चाय वालों से पता लगाए कि भाई देखो यहाँ एक डॉक्टर है चांसी दवा खाना का। तो कैसा डॉक्टर है, तो यहाँ के रहने वाले हो बताओ? तो बोला कि नहीं यहाँ तो अच्छा नहीं होगा चाचा, ये तो बात करो, यहाँ तो करता है, गारंटी देता है 15 दिन में इलाज उसका कर लेता है। लेकिन जब उससे मैंने बात किया तो ऐसा महसूस हुआ कि हमारा आत्मा ये नहीं किया कि यहाँ मैं कराऊँ। वहीं पर एक आदमी होटल से निकला जिसका नाम राम विलास साह है, वो रहने वाला दौलतपुर का है, डिस्ट्रिक्ट उसका भी सुपौल है। तो वो कहा कि अंकल किनको बवासीर हो गया? पूछताछ में आ गई बात, हम कहा कि हम ही को हो गया है। कहा कि आप ऐसा करें चाह, बवासीर का अगर इलाज कराना हो तो सीधे पंजाब चले जाइए। हम उनकी बातों को सुन करके हमारा माइंड जो था एकदम उत्साह खुशी से एकदम भर गया कि पंजाब कहाँ पे होगा, बताओ नाम। तो बोला कि सरहंद में। हमारे सरहंद नाम नहीं होता, सरहिंद है, सरहिंद नाम है, उससे हम बात कर रहे हैं। कहा कि अंकल आप देखे हैं सरहिंद को? अरे नाम हम पढ़े हैं सुने हैं। कहा जी, तो वहाँ राणा हॉस्पिटल है, उस राणा हॉस्पिटल में आप चले जाइए, देखिए आपका कितना अच्छा ट्रीटमेंट होगा, कितना अच्छा, आपको किसी के साथ ले जाने की जरूरत न होगा। फिर भी मैं डर डराते एक साथ दे दिया। जब हम हॉस्पिटल में हम आए तो जैसे रेलवे स्टेशन से उतरे, पता किए, बोला कि ठीक है इधर से निकल जाओ, सामने किसी से पूछ लड़ा राणा सूर बतरा तो कि यहाँ आए तो हमारा चेकअप हुआ, और चेकअप होने के बाद हमको तो ऐसा डर था, लेकिन ऐसा हुआ कि हम डॉक्टर साहब को कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन कब होगा, जबकि मेरा ऑपरेशन भी हो चुका, हमको एहसास नहीं हुआ कि ऑपरेशन हुआ। अच्छा, आपको कैसा महसूस हुआ चेकअप के दौरान? आपको किसी तरह की तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। ऐसा कि चेकअप क्या चेकअप कराना है, यहाँ के जितने भी स्टाफ लोग हैं वो सारा आपने बताते हैं कि भाई आपका फला चेकअप है, आप चेकअप आ जाइए। हाथ पकड़ पकड़ के ले आते हैं कि अपना चेकअप करवा लीजिए, कोई नाजायज पैसा भी नहीं, जो उचित रेट है उसको लेते हैं। हाँ, अच्छा, आपको किसी तरह की हमारे हॉस्पिटल में परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी हमको कोई नर्सिंग स्टाफ की नहीं, नहीं, नहीं। स्टाफ लोग तो ऐसे हैं, नर्स लोग तो ऐसे, सिस्टर लोग हैं कि टाइम से पहले 2 मिनट वो हमारे पास हमेशा बीपी चेक करना और क्या कहते हैं इंजेक्शन लगाना, आपको ये दवाई देनी है, ये दवाई खानी है, वो आके हमेशा करते रहते हैं चेकअप। अच्छा, जैसे आपके मन में खौफ था कि मुझे दर्द होगी ऑपरेशन के बाद या फिर चीरफाड़ होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। मैं तो 1 घंटा के बाद अभी टहल रहा हूँ, 1 घंटा के बाद मैं टहल रहा हूँ। ऐसा ऑपरेशन 10 बार अगर हो जाएगा तो मैं अकेले करवा सकता हूँ। अब तो मैं ये वादा करता हूँ हॉस्पिटल से कि जब मैं अपना गांव वापस हो जाऊँगा तो वहाँ जो भी पेशेंट मिलेगा तो उसको हम खींच के यहाँ तक लाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि तुम अपनी बीमारी को मत बढ़ाओ, चलो मेरे साथ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों को जागरूक करने में हमारी मदद की। हमारे इस वीडियो का ये वीडियो हम यही जरिया बनाना चाहते हैं कि कोई भी शर्माए ना। हम भी यही चाहते हैं कि यह हॉस्पिटल हमेशा आबाद हो, ऐसा ही चलता रहे कि किसी मरीज को कोई तकलीफ ना हो।
जब भी आवे कोई मरीज उसका सही इलाज होता रहे। हमारा भी यही गुजारिश है इस हॉस्पिटल वालों से और डॉक्टर के जितने भी हैं लोग यहाँ के राणा हॉस्पिटल के, ये हमेशा हमेशा के लिए कामयाब रहे। ये चाहते हैं कि अच्छा होता है, हमारे मरने के बाद भी जो भी यहाँ आवे वो निराश होकर यहाँ से नहीं जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।